जय हो। नमस्कार, सिटी तेलंगा के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे मूर्तियों के विषय में, कितनी साइज की होनी चाहिए। आज हम आपको पूजाघर कैसा होना चाहिए उस विषय में जानकारी देंगे। पूजाघर के लिए सर्वोत्तम स्थान है ईशान। सर्वसाधारण रूप से ईशान कोण मान्य है। पूजाघर में रंगों का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के ध्यान, भजन, जप आदि करता है और दीवारों को सफ़ेद, हल्का नीला या सफ़ेद पीला रंग लगाना अच्छा होता है। आजकल मार्बल यानी संगमरमर का उपयोग ज़्यादा हो रहा है पूजा घर में। सफ़ेद या क्रीम रंग का मार्बल लगा सकते हैं। पूजा घर के पूर्व और उत्तर दिशा में दरवाज़ा हो, खिड़कियां रहना शुभ होता है और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। पूजा घर में भगवान के लिए जो ऊँचाई के लिए ओटा बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। दरवाजे के दो पल्ले होने चाहिए। दरवाज़ा लकड़ी का हो या सोने चांदी का हो। यदि लकड़ी का दरवाज़ा बना रहे हैं तो चंदन की, आम की, ऐसे शुभ जो लकड़ियां हैं उनका उपयोग करना चाहिए। बबूल का या अड़जात की लकड़ी का उपयोग न करें तो बेहतर है। पूजा घर के लिए पूर्व और ईशान, उत्तर कुछ परिस्थितियों में, पश्चिम और उत्तर भी ठीक है, परंतु दक्षिण में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा घर के लिए कमरा अलग हो तो ज़्यादा अच्छा, और यदि जगह का अभाव है तो किचन में आप पूजा घर बना सकते हैं, जिससे वहाँ की पवित्रता बनी रहती है। भगवान को दीवार से कम एक इंच की दूरी पर विराजमान करना चाहिए। एकदम दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में कम से कम भगवान रखे वो भी ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा भगवान रखने से आपस में उनकी जो एनर्जी है वो क्लैशेस होती है। अगले सप्ताह हम आपको पूजा घर कैसा नहीं होना चाहिए उस विषय पर बात करेंगे। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 07242440722, मोबाइल नंबर 9422863311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।